बाद में करूंगा, पहले धन्यवाद दिया फरमा। सम्मानित उद्घाटन करता हुआ माननीय कुलपति महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय रोशा, सम्मानित कुल सचिव महोदय, माता श्री भारती जी, विश्वविद्यालय के तमाम पत्रकारगण, तो तमाम पदाधिकारीगण, मीडिया कर्मी, हमारे डेलीगेट, स्कॉलर्स, छात्र छात्र, इनॉग्रल फंक्शन से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, ज्ञान प्राप्त किया, कुछ आवश्यकता अवश्यम भावी की भी बातें हुई। हम लोग आह्लादित हैं, दरअसल आवश्यकताएं हैं, आधारभूत संरचना आवश्यकता व्यवस्था के आधार पर महाविद्यालयों की स्थापना होती है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इस संगोष्ठी का मुख्य संदेश हमारे माननीय कुलपति महोदय का जो मिशन है, जो जज्बा है और जिस कामना के शुभकामना के साथ भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को इन्होंने सजाने सवारने का संकल्प लिया है, उसे जन जन तक पहुंचाना है, छात्र छात्राओं में रुझान पैदा करना है। विशेष कोई मांग हमारी व्यक्तिगत न थी न है, हमारे गुरुदेव हैं, एक शिष्य के नाते मैं वचन और संकल्प देना चाहता हूँ। हमारे कुल सचिव महोदय हैं, आज तक इस महाविद्यालय के द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया, कोई भी ऐसी बातें नहीं आई जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन अनुशासन में किसी भी प्रकार का व्यवधान हो। आपके रहते और मेरे रहते और मेरे जो सहकर्मी हैं, कभी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ हमारे बच्चे संकल्प लिए हैं आज, हमारे गुरु से आप कितने सौभाग्यवान हो, मतलब पिता का प्रेम तो लोग पाता है, आपने तो दादा का प्रेम पाया, दो दो दादा का प्रेम पाया। तो जो मिशन है उसे जन जन तक हमें हमारे बच्चों को पहुंचाना है, गार्जियन को पहुंचाना है। मैं धन्यवाद साधुवाद क्या दूं माननीय कुलपति महोदय, कल तक कार्यक्रम है और यहाँ टेक्निकल सेशंस चलेंगे, आपकी व्यस्तता को देखकर मैं आग्रह तो नहीं, लेकिन अगर कभी मौका मिले, अगर कोई ऐसा ही हुआ तो हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखने के लिए, हमारे स्कॉलर्स बहुत कुछ आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायित हैं, आह्लादित हैं। और तो हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हमारे समापन तक फिर कभी यदि हमारे कुल सचिव महोदय, कुलपति महोदय या विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कुलपति महोदय कि कुछ कमी हम प्राचार्यों में है, बहुत कमी प्राचार्यों में है। तीन तीन बार हमने टीचर में प्रिंसिपल साहब लोगों को पत्र भेजा मैसेज के लिए, हमने पत्र भेजा कि अपना सोवेनियर में कुछ आप पेपर प्रेजेंटेशन आप करो, अपने कॉलेज की टीचर्स के द्वारा कराओ। दुर्भाग्यवश हम दो प्राचार्य विश्वविद्यालय के हैं, सबों को आमंत्रित किया गया कि आप आइए और अपने यहाँ से 10 बच्चे को लाइए ताकि यहाँ का संदेश, माननीय कुलपति महोदय का संदेश, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का संदेश, भारत सरकार का संदेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संदेश जन जन तक जा सके। तो
कुछ कमी हम प्राचार्यों में है, आवश्यकता है। शिक्षकों और छात्रों से पहले हमें, हम प्राचार्यों को, चाहे अंगीभूत हो या संबंधन प्राप्त हो, अगर बैठक होती है तो अंगीभूत के साथ संबंधन प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्यों को भी रखा जाए। माननीय सर, मेरा एक ही आग्रह है, मेरा एक ही निवेदन है, माननीय सर, मेरा एक ही निवेदन है कि जब कभी भी विश्वविद्यालय में बैठक हो प्राचार्यों की, तो अंगीभूत महाविद्यालय के साथ अनुदानित महाविद्यालयों को भी उसमें शरीक किया जाए, उनसे डायरी की मांग की जाए, टीचर्स डायरी की मांग की जाए, छात्रों का फीडबैक लिया जाए, कॉलेज का फीडबैक लिया जाए, डेवलपमेंट रिपोर्ट लिया जाए। बैंक तो बाद में रिपोर्ट लेगी, आप पहले एनुअल रिपोर्ट लें, हमें मौका दें, हमें अछूत जो समझा गया तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। सवाल है कि उस कड़ी में समाने के बाद आज क्यों नहीं आया अंगीभूत महाविद्यालय के प्राचार्यगण। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कॉरम के अनुसार विश्वविद्यालय को भी आवेदन दिया, पीजी सेंटर्स को भी आवेदन। ये रुझान पैदा करना होगा और वो हम नहीं कर सकते हैं। अपनी व्यथा कथा है श्रीमान महाशय, जिसको हम कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी सेमिनार का आयोजन हो, हर कॉलेज के प्रिंसिपल को वहाँ उपस्थित होना कंपलसरी है, ताकि वहाँ का संदेश एक माननीय कुलपति महोदय का एक दिन का समय, वो 25 वर्ष के कार्यकाल का समय होता है। मैंने आपका इतना बहुमूल्य समय लिया, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे ईटीवी, जीटीवी, कशिश न्यूज, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर के सारे प्राचार्यगण हैं, हमारे प्राचार्य नहीं है। अगर सारे प्राचार्य अंगीभूत महाविद्यालय के, सारे प्राचार्य संबंधन प्राप्त महाविद्यालय के रहते, तो यह संदेश, यह बहुमूल्य संदेश, यह अमर संदेश जो शिक्षा को समृद्धि की ओर ले जाने वाला है, वह बहुत दूर तक, देश ही नहीं विदेश तक जाता। इसके लिए हम प्राचार्यों पर आप थोड़ी शक्ति करें, ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, अनुरोध है। और शिक्षकों से, स्कॉलर्स से मेरा निवेदन है कि आप जिस उद्देश्य के लिए ये रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसमें थोड़ी तन्मयता लाई जाए। ये थीसिस लिखना और ये मतलब प्रेजेंटेशन करना और गाइड एक्सपर्ट के साथ बैठ करके जो है टाइम पास करने से, आप दें, आपके शोध कार्य से छात्रों को क्या समृद्धि मिलेगी। मेरा निवेदन है शोधकर्ताओं से कि आप यहाँ पर हम कैंपस आए, मैं दृष्टा कर रहा हूँ, लेकिन आपको कहना चाह रहा हूँ कि महाविद्यालय से आपको उचित मानदेय, पारिश्रमिक भी हम देंगे, लेकिन अपने अनुसंधान के विषय में हमारे बच्चों को ज्ञान दें, ताकि हमारा जो मिशन है गुणात्मक शिक्षा का, वो सफल हो सके। अभी गार्जियंस में ये विश्वास की भावना आ सके, हमारे बच्चों में विश्वास की भावना आ सके, और हर महाविद्यालय में एक एक दीप, असंख्य दीप जलाता है, एक उदयनाचार्य महाविद्यालय, कवि महाविद्यालय 24 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कर सकता है, तो हमें फख्र है। एक कुल सचिव कुमारेश बाबू, एक कुलपति डॉक्टर ए के, प्रोफेसर डॉक्टर ए के राय साहब, एक वाइस चेयरमैन कामेश्वर झा साहब, एक प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक कुमार बुलंदियों तक शिक्षा को ले जा सकते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करते हुए आज के इस सत्र के समापन के पहले माननीय कुलपति महोदय से दो शब्द समय लेना चाहता हूं कि क्या गुरुदेव है हमारे, कि इस लंच सेशन को समाप्त किया जाए और हमारे महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं, वो हमारे जो डेलीगेट्स हैं, हमारे